हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ आ रखे हैं हमारे दो भाई, काफ़ी पुरानी बचपन की दोस्ती है। तो उस हिसाब से आज हम वर्कआउट करेंगे बाइसेप और ट्राइसेप का साथ में। तीनों भाई हमारे बिगनर है, भाई है हमारे, कंपटीशन खेल चुके हैं। कौन सा कंपटीशन खेला भाई बता दो। भाई मिस्टर नॉर्थ इंडिया का कॉम्पिटिशन खेला है, प्लेस आई थी उसमें 5th प्लेस। और अब हम लगा रहे हैं बाइसेप और ट्राइसेप, इसमें देखेंगे पीक के लिए सेम जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, पीक के लिए और बाइसेप को चौड़ा करने के लिए। इसमें कुछ एक्सरसाइज होंगी वो थोड़ी सी अलग होंगी, बस और कुछ नहीं होगा, पर लोड वही आएगा सारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है हमारी बार बार कर्ल। तो वेट अपने अकॉर्डिंग रखा है और ग्रिप जो है हमारी वाइड है बिल्कुल ही, इससे हमारा बाइसेप चौड़ा बनाएगा। जो कहते हैं हमारा बाइसेप चौड़ा नहीं हो रहा, चौड़ा नहीं हो रहा, इससे हमारा चौड़ा आएगा बिल्कुल। और पीक पे भी सेम लोड पड़ेगा, आप देख सकते हो पीक कैसे निखर के आ रहा है इस टाइम पे बिल्कुल, क्योंकि स्किनी बॉडी है, मसल भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग पैकेट लगा रहे भाई हमारे, सेम वही ग्रिप रहेगी, इनकी मसल कम है तो इसलिए पैकेट करेगा, पर थोड़ा सा धीरे धीरे करेगा, इतनी जल्दी नहीं करेगा बिल्कुल ही कि जल्दी कर जाए। जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाए और चल गया, बिल्कुल भाई सब बन गया हमारा। 5 6 7 8 वेट जो है वेट इनके अकॉर्डिंग है 5-5 किलो से। वो भाई से जो उन्होंने लगाया था उन्होंने 7.5 से लगाया था। कोई नहीं, एक हाथ ही अलग होता है। सेकंड एक्सरसाइज का नाम है भाई रोप पुली। वेट 1 प्लेट रखिए सिर्फ भाई के हिसाब से बिल्कुल ही, उसको आपको पोजीशन भी बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि भाई बिगनर ही है तो इसलिए आपको उसमें पोजीशन पता लगेगी और मसल पर भी जो लोड आ रहा है वो भी आपको इसमें बताऊंगा। लगाओ भाई, ये देखो भाई कैसे लगा रहे हैं, इसको कहते हैं गलत पोजीशन। लगाओ लगाओ लगाओ, जैसे लगाते लगाओ, इधर से भी दिखाओ एक बार, आगे की तरफ से, यहाँ से दिखाओ एक बार, आगे की तरफ से, आगे की तरफ से आप लोगों को पता लग रहा है किस तरीके की पोजीशन आ रही है। आपको बताता हूँ करेक्ट पोजीशन, एक सेकंड रुक लो, पीछे आगे थोड़ा सा, हाँ बीच से पकड़ो, हाँ अब एल्बो लो यहाँ पे, इसको हल्का सा बैठ रहा, हल्का सा बैठ रहा, इसको इसको मैं करूँ हल्का सा, इसको बैठ रहा हल्का, बिल्कुल हाँ ये आ गए यहाँ पे, अब लो, अब लो इसको, हाँ नीचे स्लो लाना है, ज़्यादा फास्ट नहीं लाना, एकदम झटके से नहीं मार रहा। पहले पोजीशन देखना और अपनी पोजीशन देखना, लोअर भी देख लो, इस जगह पे आ रहा है वो दिख रहा होगा ट्राई से, क्योंकि फैट भी है तो इस वजह से नहीं दिख रहा, बिल्कुल हल्का दिख रहा है बड़ी से। बढ़िया लगाओ, बढ़िया, एल्बो एक ही जगह पे इस टाइम पे, पहले एल्बो थोड़ी आगे, ये देख सकते हो आप लोग, ये इस पर भी लोड पड़ा है और हमारे पीछे जो मसल होती है उस पर भी लोड पड़ा है सारा। तो सेम ऐसे ही है हमारे, हम जो है मैं मेरा सेट है, तो अब मेरा सेट होगा तो मैं मेरा सेट भी सेम ऐसे ही होगा, और भाई का जो सेट था हमारे भाई का सेट भी ऐसे ही होगा सेम। तो आपको तीनों सेट ऐसे लगाना है, तीनों वर्कआउट हो, तीनों सेट जो है आपके तीनों सेट के सेट ऐसे लगेंगे, वेट अपने अकॉर्डिंग रखें। भाई का लोड देख सकते हो एकदम ट्राइसेप पे सीधा, और पोजीशन बिल्कुल ठीक है। रेपिटेशन रखनी 12 से 15 रैप, ज़्यादा नहीं लोड रखना, और वेट अपने अकॉर्डिंग रखें सिर्फ 3-4 प्लेट जितनी आप लोग उठा सकते हो। और ट्राइसेप पे आप लोग लोड देख रहे हो कितना अच्छा आ रहा है, मसल माइंड कनेक्ट करके है ये, फ्लैट करना भाई एक बारी, देख रहे हो ट्राइसेप देखो यार कितना प्यारा ट्राइसेप है ये, इधर तो हमारा भी नहीं है, इधर हमारा भी निकलता है, हमारे भी फैट है। बाइसेप और ट्राइसेप इकट्ठे लगा रहे हैं, तो बाइसेप की एक्सरसाइज है हमारी कॉन्सेंट्रेशन, इसमें आप लोग पोजीशन देख सकते हो, भाई की पोजीशन एकदम प्रॉपर है और सीधा सीधा पीक पे लोड आ रहा है, सिर्फ पीक आएगा और कुछ नहीं है इसके लिए, पीक के लिए जिसका पीक जैसे बड़ा नहीं होता है। अब से इनका वेट भी ये रखा, अभी इनको भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगा रहे हैं, पोजीशन क्या है क्या नहीं है, तीनों सेट ऐसे ही रखने हैं, कोई वो नहीं करना, चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करना, सेम ऐसे। अब भाई का दिखाते हैं आपको बिगनर के हिसाब से कि क्या है। लगाओ भाई अपने आप लगाते हो, हाँ लगाओ जैसे आप अपने आप लगाते हो वैसे लगाओ। आप लोग ये पोजीशन देख रहे हो,
ठीक है। अब जो मैं पोजीशन दिखाता हूँ वो आप देखना एक बारी ये किस पे लोड ज़्यादा आता है, ठीक है। अब रुक जाओ, पैर आ गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे तो थोड़ा सा, हाँ अब इसको डम्बल उठाओ, बात जो यहाँ पर, ठीक है। अब लो इसको थोड़ा सा उधर, स्लो रखना है, ज़्यादा लोड नहीं दे रहा, सिर्फ पीक पे हाँ नीचे लाते हैं इसको ऐसे, हाँ 3 4 5 सिर्फ पीक पे लोड आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ पीक उठ रहा है इसमें यहाँ पे और कुछ नहीं। 9 10 11 12 भाई को ये सब तो भाई को बताने की जरूरत ही नहीं है, भाई अपने आप ही लगा रहे हैं क्योंकि उनको पोजीशन भी पता है और उनकी मसल भी काफ़ी अच्छी है, तो उनके देख लो अपने आप ही लोड आ रहा है। और अभी आपको बेस्ट में करके दिखाएंगे इसमें कैसा लोड आया पीक के ऊपर, लगाओ कितने पीक हो गए सामने, हाँ फ्लेक्स कर बिल्कुल टाइट करके, हाँ भाई से देख सकते हो आप लोग सेम बिल्कुल पीक पे पंप आया है, बिल्कुल भर चुका है भाई से भी, भाई का भी देख लो एक बार, भाई दिखा रहे हैं पीक मसल, देख लो कितनी प्यारी मसल है। ट्राइसेप के एक्सरसाइज लगा रहे हैं ओवरहेड, ठीक है, इसमें आप लोग पोजीशन देख सकते हो बिल्कुल ओके है, उसे भाई को बताने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा सा इसका है रॉड का, रॉड वाइड करवाइए बस 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 बस, हेल्प बिल्कुल अंदर है, हाइट बढ़ी है भाई की तो इसलिए इसको चिपका के करने में कुछ जैसे कि ज़्यादा वेट भाई के हिसाब से ना लग पाए, बढ़िया बस अपने लोड देख सकते हो सेम आपको ऐसे भाई थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है इसलिए लगा रहा है डिनर भाई, पर तगड़ा डिनर बाद मसी का फिर एक बार भाई साहब ट्राई सब नेक्स्ट करेंगे ना तो भाई को, बढ़िया ये देख सकते हो आप इसमें धीरे धीरे ग्रो होगा, एकदम से बिल्कुल कुछ ग्रो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब हमारा हमारे पास टाइम ओके करते हुए तो हमारा ग्रो है भाई कम से ऐसे ग्रो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, पैंट एक्सरसाइज में करूँगा बहुत अच्छी मसल मिली भाई के साथ, तो ऐसे आप लोग तीनों सेट ऐसे लगा रहे हैं, हम अभी 2 बजे हैं तो हम दोनों भी ऐसे ही सेट लगाएंगे, बिल्कुल 3-3 सेट लगाएंगे अपने, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस चीज़ के लिए, हम एक एक सेट दिखा रहे हैं इसमें अपना तीनों, ठीक है, या बीच बीच में मेरा नहीं आ रहा है भाई का नहीं आ रहा, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है भाई भी ज़्यादा फोकस दे दिया, क्योंकि भाई भी ज़्यादा फोकस है, भाई की पोजिशन भी ठीक करनी है और मसल भी थोड़ी ग्रो करनी है, डाइट भी अच्छी और ज़्यादा अच्छी करनी है, तो लगाते हैं हम लोग अपना सेट, उसके बाद दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट स्टार्ट। तो इस एक्सरसाइज का नाम है फ्यूचर कर्ल, दूसरे बात में लोड आएगा पीक पीक के ऊपर, पहले भाई अपने हिसाब से लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं देख सकते हो, 12-15 रेपिटेशन निकाल रहे हैं वेट अपने अकॉर्डिंग, भाई का वेट है 5 किलो है सिर्फ, अब लो अब लो, 1 2 3 4 कोई और मूवमेंट नहीं है, सिर्फ बाजू की मूवमेंट है जो सिर्फ पीक पीक पे लोड देगी आपके, इसमें हमारा पीक के ऊपर जो लोड था सारा लोड जो हमारा पड़ा है पीक के ऊपर पड़ा है, सेम ऐसे दूसरे हाथ से लगाएंगे और बाकी हम जो 2 बंदे हैं साथ में वो भी हम लोग अपने 3-3 सेट सेम ऐसे ही रखेंगे, तो आप लोग भी ऐसे ही रखना 3-3 सेट। तो लास्ट जो हमारा मतलब होगा ट्राइसेप का डबल एंड डम्बल है देख सकते हो, पोजीशन भाई की बिल्कुल ठीक है इस टाइम पे, कोनी जो है वो थोड़ी सी एल्बो पोजीशन आ जा रही है, बट भाई के साथ जो वेट है वेट के अकॉर्डिंग वो कोनी बाहर जा रही है, बाकी ओके है बिल्कुल, इसमें हमारी फ्रंट मसल भी लोड आ रही है और लोअर जो मसल है इसमें ट्राइसेप की 2 मसलें हैं उन दोनों में हमारा लोड जा रहा है, इसमें भी आपको वेट अपने अकॉर्डिंग रखें और 10 to 15 पे ट्रेट ये वाला वही वाला ट्राइसेप वाला, हाँ आइए ये बढ़िया धीरे धीरे आ रहा है आप देख सकते हो, मतलब अभी एकदम से नहीं आएगा क्योंकि फैट परसेंटेज बहुत है और मसल में भी धीरे ग्रो होगी जैसे जैसे तो आता रहेगा भाई की जैसे डाइट चलती है, जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको अपनी डाइट को जब मेंटेन रखना, तो वैसे भाई अपनी डाइट मेंटेन रख रहे हैं अभी से ही, तो आगे चल के आप और वीडियो लेकर आएंगे भाई के साथ तो वो भी दिखाएंगे आपको, नीचे मेरा इंस्टा लिंक आ रहा होगा जाके फॉलो करो, भाई का भी डिस्क्रिप्शन में है,
दूसरे भाई हमारे उधर कर रहे हैं, लिस्ट लगा रहे हैं वहाँ पे हमारे, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी जाके फॉलो करो। उसके बाद हम डाइट में लेंगे अपना प्रोटीन शेक और अंडे, अभी हमारा उधर पड़ा है, अंडे हमारे लेके जाएंगे वो खाएंगे डाइट के साथ में। और उसको वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी और अच्छी लेकर आएंगे जितने